यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? बहुत से लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं बुली एनिवर्सरी एडिशन। और अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं निकला कहां से हूं। तो अभी मेरे किसी सब्जेक्ट की क्लास चालू है और मैं बिल्कुल भी उसे अटेंड नहीं करना चाहता हूं। और अगर किसी भी प्रीफेक्ट ने मुझे देख लिया तो वो मेरे को जबरदस्ती क्लास के अंदर ले जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले एपिसोड के मिशंस। तो अभी हम आ चुके हैं द सेटअप, इस मिशन का नाम है द सेटअप। तो ओके, यहां पे प्रिंसिपल से कोई बात चल रही है हमारी, देखते क्या बात है। By fighting, by making a nuisance of yourself, that is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. तो ओके गाइस, यहां पे जिमी प्रिंसिपल से कह रहा है कि यहां पे मैं थोड़े जितने भी बच्चे वगैरह है तो उनसे मिलने जुलने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर प्रिंसिपल कह रहा है कि तुम ये मार पिटाई करके करना चाहते हो। तो ये जिमी वापस से कहता है कि तू एक पागल है, क्योंकि जो ये जगह ये भरी पड़ी है गुंडे बदमाशों से। तो ये इन दोनों के बीच बातचीत बता रहा हूं मैं अभी आपको। सामने सफेद कमीज आगे खड़ा हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हाथ में गुले ले। ओ तेरी चला भी दी इसने तो, रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी, अभी तो हाथ में आएगा तो बताऊंगा मैं तेरे को। अभी तो भाग गया, अब कब तक भागेगा। ओके, तो हमको इसका पीछा करना है। ओके ओके ओके, इसको तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे भाई साहब। अबे भाई कितनी तेज भाग रहा है, यूसेन बोल्ट फेल कर दिया इस बंदे ने, इतनी तेज भाग रहा है, क्या होता हूँ। ओके, तो भाग के जाएगा, अबे उसकी टक्कर भी मार दी भाई भगते भगते बेचारे की सारी कॉपी किताबें फैल गई रायते की तरह जमीन पे। ओके, तो थकार के यहाँ पे आ गया। अबे तेरी दोस्त को बुलाएगा, इसको तो मैं ऐसे ही कूट देंगे पकड़ के। ये ले तेरी। ओबे भाई साहब, कैसे पागलों की तरह मुक्के चला रहा है। तो हमार को बहुत तगड़ा करेक्टर मिला हुआ गाइस, आप देख लो, तीन मुक्के मारे नहीं, जान खत्म सामने वाले की। तो इसे भी खोल दिया, सामने एक और बंदा। ओके, तो यहाँ पे हमको जाल में मतलब अपना जो जाल है यहाँ पे बिछा रखा था इसने, लेकिन इसको क्या पता कि अभी हम कौन सी कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसको तो यहीं पे फटक दिया भाई साहब, मुक्के मुक्के बजा रहा है अभी। उठ तेरी लड़म से, आ जा, लड़ने के लिए बैठा था ना। ये भी ख़त्म हो चुका है गाइस। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको वापस शटर खोलना है। ओबे भाई साहब, काला कलूटा इधर आ तेरी। इसको तो ऐसे ही मार देंगे भाई, एकदम सोया मुंह पे भी, कह रहा यह है कौन। ओके, तो ये भी मरने वाला है आराम से, अभी ये मरा नहीं। ओके, तो यहाँ पे मर चुका है, इसके चांटे चाटे बजाएंगे, भग तेरे यहाँ से, अगली बार आ मत जाइयो। इसके एक और गुस्सा देके भगते हैं। तो मर चुका है, मतलब मरा तो नहीं, बेहोश हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आ गए, ओ तेरी दो दो बंदे आ गए, इनको भी निपटा देंगे। दो दो बंदे आ गए तो क्या करें, दो दो बंदों का ऐसे ही चेप देंगे, तीन मुखों की जान होती नहीं, आ जाते हैं लड़ने पता नहीं कहाँ कहाँ से। ओके, तो ऊपर बैठ के गुलेल चला रहा है, रुक जा, तेरे पास भी आएंगे अभी। गुलेल चला रहा है, ऐसे खड़े होकर देख रहा है, नहीं 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 खड़े होकर देख रहा था। ओके, अब हम ऊपर आने के लिए सीढ़ी तोड़ दी इसने, रुक रुक रुक। ओबे यहाँ पे एक अद्धा पड़ा हुआ है, फेंक के मारते हैं इसको। मेरे से अद्धा नीचे गिर चुका है, ईंट नीचे गिर चुकी है, तो एक और ईंट मेरे को सामने दिख चुकी है। यहाँ से उठाते हैं और उसके मुंह पे ही फेंक के मारेंगे, लगेगी मुंह पे वो, उसका पता नहीं, वो सब जिमी पे डिपेंड करता है। ओके, तो वो अभी मार रहा है, मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ। और ये और भाई साहब, कोई आपके ईंट मुंह पे देखे मारे तो क्या होगा हाल उसका, कितनी जोर की पड़ी भाई। एक ईंट लगती इतनी कम है तो कोई उसके, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक और मारते हैं इसके, अबे तेरी कैसे मारी, रुक जा। ओ भाई साहब, बस एक दो ईंट और मार देना, काम ख़त्म हो जाएगा इसका। तो डस्टबिन के ढक्कन मिल चुका है, इस ढक्कन से इसे पेलते हैं फटाफट से। ओके, तो डस्टबिन का ढक्कन लेते हैं, उसको ऐसे मारते हैं। ओके, गिर गया, ओके तेरी की गिरी गया, आ जा, अब तो तू नीचे आ चुका है, अब इसको घूंसे भर देंगे इसके अंदर। अरे भरने की आग जो, तो वो तो पहले ही बोश हो गया। ओके, तो हमको गुलेल मिल चुके हैं, स्लिंग शॉट हमें मिल चुका है गाइस, बहुत ही बढ़िया, यू पास। तो अपना यहाँ पे सेटअप वाला मिशन तो पास हो चुका है, ठीक है। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि कौन सा मिशन है अब। ये यहाँ पे आ चुके हैं बंदे, जहाँ पे ऑटो वर्क का काम करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बाइक वाइक रिपेयर करने का काम करते हैं, ऐसे मैंने सुना है, ठीक है, मतलब देखा है, सुना क्या है। तो फिर यहाँ पे जितने भी टूटी फूटी कार है ना, तो इन्हीं को ये मतलब ठीक ठाक करने का काम करता है थोड़ा बहुत क्लासेस में। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि आखिरकार कौन सा मिशन होने वाला है अपना नेक्स्ट। तो स्टार बन के आ चुका है, पहले स्लिंग शॉट को ट्राई कर लेता है। ओबे तेरी, एक में गिरा दिया उस बंदे को, तो दूसरे में भी गिर गया, बेहोश हो गया क्या। ओबे भाई, दो बार मारा वो बंदा ही एकदम ज़मीन पे लेट गया बिल्कुल। इसको इसमें घुसा भरते हैं। ओबे यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे आके भगतना पड़ेगा, उनके वीडियो लंबे जाएगी काम का, अपना मिशन करने हैं, पहले मिशन जरूरी है गाइस, तो मिशन करते हैं। ओके, तो वो भी उसे मतलब बहुत सही चीज़ मिल गई भाई, वेपन बहुत बढ़िया मिल चुका है। तो फटाफट से
भगते भगते अपने मिशन की तरफ चलते हैं। ओके तो इसको तो ऐसे ही कूट देंगे, इसे भी कूट के चलता है थोड़ा सा। हाथ वगैरह बैठ जाएंगे अपने मुक्को वक्को पे। तो यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं भगते भगते। ओके तो हम बॉयज डोम आ चुके हैं भागते भागते, और यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट मिशन। तो चल के देखते हैं कि आखिर इस मिशन में ऐसा क्या होने वाला है। ओके स्लिंग शॉट मतलब गुलेली है नाम इस मिशन का। यहाँ पे गैरी बैठा हुआ है। तो अगर स्कूल पे कब्जा करने का हमारा प्लान है, ऐसे अगर कुछ बता रहा है गैरी भाई स्कूल पे कब्जा करने की बातें कर रहा है, तो इतना बड़ा गुंडा है क्या यहाँ का? Swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Petey, you were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? अरे भाई साहब गैरी तो झूठ भी बोल रहा है, कह रहा कि तुम पागल हो ऐसा इसने बोला है, और ये बंदा कह रहा कि मैंने ऐसे नहीं बोला, ये अपने आप से बातें बना रहा है, झूठ बोल रहा है कितना गैरी। ये देखो वापस से बोल रहा है इसे। What'd you say about me, dwarf? Come on, dude, chill. No. देखो पहले तो झूठ बोल रहा है, ऊपर से फिर जब वो बंदा गैरी पे बोल रहा तो गैरी तो उल्टा भी बोल रहा है, मतलब अलग ही चीज है भाई गैरी तो। क्या कर रहा है? ओके अबे क्या यार वो छोटा सा बच्चा गलत जगह लात मार दी ने उसके, अच्छा थोड़ी होता है बेचारा, किसी तरह अपने आप को संभाल रहा है वहां पे बैठे बैठे। तो चले अब मिशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सोफा पे तो बैठ चुका है वो बेचारा लात खा के एक। तो ओके गाइज अभी हम बॉयज रूम के बाहर आ चुके हैं। फॉलो गैरी टू द ओल्ड स्कूल बस। ओके तो ओल्ड स्कूल बस तो मेरे को पता है कहाँ पे, मैं ऐसे ही भग जाऊँगा। ओके तो भगते भगते चलते हैं। अरे ये तो गर्ल्स रूम की तरफ आके गलत ही जगह चलेगा। अबे ये तो एग्जिट पे ही आ गए, मैं तो रास्ता ही भूल गया गैरी, रुक जा साथ में लेके चल मेरे को, भग रहा है मैं सच में रास्ता भूल गया गाइज। तो ओके यहाँ पे गैरी भगता हुआ। ओके तो पहुँच चुके हम ओल्ड स्कूल बस के पास। तो हमको यहाँ पे सारे शीशे तोड़ने, इनको तो मैं ऐसे ही तोड़ देंगे। ये लो 3, 4 और ये 5 बार भी टूट गया, बहुत जल्दी तोड़ दिया। गो टू द फुटबॉल फील्ड। ओके फुटबॉल फील्ड में इस बार तो मेरे को सच में पता है फुटबॉल फील्ड का है। फटाफट से भागते हुए चलते हैं फुटबॉल फील्ड की तरफ, गैरी को पीछे छोड़ देंगे इस बार। ओके गैरी काफ़ी धीरे भाग रहा है भाई। ओके तो सामने से सफ़ेद कमीज भी भगता हुआ है, लेकिन अभी कुछ लड़ाई बड़ाई नहीं करनी क्योंकि अभी हम मिशन के अंदर है, और मिशन के अंदर अगर हम मतलब लटक गए लड़ाई के चक्कर में और क्या पता मर गए, मतलब मर के बेहोश हो गए, तो फिर अपना मिशन जो है वो फेल होता है। और यहाँ पे बारिश भी होती है, मेरे को सच में अंदाज़ा नहीं था बारिश हो गई, हमारे पास छतरी नहीं है और यहाँ पे दुनिया भर के बच्चों के पास छतरी छतरी है। बताओ क्या करें, बारिश में भी मिशन करने पड़ रहे। देख रहे होगा इस जिम कितनी मेहनत कर रहा है। ओके तो पहले सेब खा लेते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ गई थी, हम सीढ़ियों से जंप मार रहे थे तो हमारी अच्छी लगी थी, यहाँ से सेब खा लेते हैं। क्लाइम द ट्री। ओके तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं फटाफट से। ये कैसे चढ़ रहा है पेड़ पे ऐसे, तो मैं किसी को चढ़ते हुए नहीं देगा भाई। ओके तो पेड़ पे चढ़ चुके हैं हम, यहाँ से एक फुटबॉल टीम भी आ चुकी है, मैं फुटबॉल खेलने वाली टीम, फुटबॉल कह रहा हूँ, शायद कोई और गेम है जिसमें हम पता नहीं पागलों की तरह लड़ते हैं बोल के भी, शायद वो गेम है ना, याद नहीं आ रही है अभी मेरे को। तो इनको स्लिंग शॉट से मार रहे हैं बस। ओके इनको तो हम ऐसे ही पेल देंगे क्योंकि हम पेड़ पे बैठे हैं और कोई सोच नहीं सकता कि पेड़ से कोई मार रहा है। तो फटाफट से मैंने सूते पकड़ के ये बंदा ऐसे ही आगे खड़ा हो गया, इसको इसे भी लटा दिया, ऐसे ही आ रहा था। तो एम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है यार इन बंदों को मारते वक्त, क्या बताऊँ इधर इसमें ना स्क्रीन ज़्यादा मूव नहीं हो रही इसलिए एम करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे एक और बंदा लास्ट बचा है, इसे भी फटाफट से ख़त्म करते हैं। ओके तो वो बंदा भी ख़त्म हो चुका है, तो पेड़ से नीचे चलते हैं बस ये बंदे उठ के मारने लग जाए। ओके तो यो पास। ओके तो हमारा ये मिशन भी पास चुका है, यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरी पूरी टीम ही हमने लेटा दिया है एक गुलेल से खाली, देख रहे हो गुलेल की पावर कितनी है। ओके तो रात भी हो चुकी है, लेकिन रात में भी हम मिशन करेंगे, रुकने वाले नहीं है। 7 बजे यहाँ पर सोने का टाइम रहता है, देख रहे हो 7 बजे कौन सोता है भाई, 7 बजे तो खाना गाना बन ही रहा होता है घर पे ज़्यादातर बंदों के। तो गाइस कमेंट करके बताना कि 7 बजे किस किस के घर पे खाना बन रहा होता है। ओके तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ फटाफट से, जल्दी जल्दी भागते भागते छलांगे मार मार के बंदरों की तरह।
तो यहाँ से शॉर्टकट भी ले लेते हैं और पहुँच गए क्या? नहीं 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 अभी थोड़ा सा दूर है हल्का सा, बॉयज़ डोम आ चुके हैं, तो अगला मिशन भी बॉयज़ डोम में अपना। वाह भाई वाह, ओके अ लिटिल हेल्प नाम का मिशन, आप सुनते हैं भाई क्या मिशन है। तो वापस से यही भाई, क्या है पंगे को ले रहा है उस बच्चे से? Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. अरे भाई साहब, तो जिमी ने गैरी को बोरिंग बोल दिया और गैरी को बहुत चुभ रही है यार। You're too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. तो अभी ये माफी मांग रहे हैं इन दोनों से कि भाई मुझे माफ कर दो, गलती होगी। Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. तो गाइस अभी गैरी को लेके जा रहा है पर ये बंदा आने को राजी नहीं है, पता नहीं क्या बात है। Little Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that. अरे भाई साहब क्या कह रहा है कि अगर तेरे को किस ये तो मेरी ले ले, लेकिन मेरे को माफ कर दे, ऐसा कह रहा है। तो ये कह रहा है शट अप, मुंह बंद कर ले अपना, मैं आ रहा हूँ। तो ओके गाइस, किसी तरह ये दोनों मान चुके, गैरी और क्या नाम है इसका, पीटर नहीं, पीटी पीटी करके कुछ ना पता नहीं, अजीब ही है भाई। तो कोई नहीं, अभी मैं ओल्ड स्कूल बस की तरफ जाना है। इस बार मेरे को सच में ये रास्ता याद है क्योंकि पिछली बार मैं गलत ही जगह चला गया था, तो इस बार मैं सही जगह जाने वाला हूँ। तो सामने खड़ी है अपनी ओल्ड स्कूल बस, जिसके सारे के सारे शीशे हम पहले ही फोड़ चुके हैं, तो इसके अंदर जाना है हमको। ओके, अब इसके पीछे भी कुछ था, मेरे को तो अंदाजा ही नहीं था इसके पीछे कुछ हो भी सकता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और देखते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है आखिरकार। वो किसी होमलेस मैन के बारे में बात कर रहा था। Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Pete. तो वापस से लड़ाई कर रहा भाई, पहले सॉरी बोल रहा था, अभी यहाँ पे आकर ओह बॉय, हाँ इसने तो ईटी उठा ली मारने के लिए। So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. अरे भाई साहब, गैरी के एक ईटी भी बजा दी इसने तो, भाग गए हो तो डर के मारे। ये हमसे कह रहा बगजी, यहाँ से चूरा बंदा बंदरों की तरह मारूंगा तेरे को। तो ओके, कुछ बातचीत हो रही है इनके बीच में, देखते क्या बात कर रहे हैं आखिरकार ये दोनों के दोनों। What about drugs? No. तो यहाँ पे ये बुड्ढा कह रहा था कि मैं तेरे को मार दूंगा, और जिमी कह रहा है एकदम सख्त लौंडे की तरह, आजा मार दे मुझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves, real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. तो ओके गाइस, यहाँ पे जो ये बुड्ढे आर्मी का बंदा निकला और हमसे कह रहा है कि तू मेरे को एक रेडियो का पार्ट लेके दे दो, जो यहाँ पे बता रहा फाइन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे बता रहा है कि यार ना हमको पार्ट ला के दे दो और मैं तुम्हें बहुत ही तगड़े मूव सिखा दूंगा जो कि आर्मी ने मुझे सिखाया। तो भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब सीखने के लिए कि भाई आखिर कौन से मूव सिखाने वाला है। और मेरे को तो लग रहा है कि बहुत ही सही चीज़ सिखाएगा। तो यहाँ पे सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं कहाँ पे इसका रेडियो वाला पार्ट। तो ओके, सामने ही मिल गया है, तो यहाँ पे फटाफट से कूद मारते थे छत से क्योंकि टाइम नहीं है अभी अपने पास। ओके, तो फटाफट से ले कर जाके देते हैं उसी अंकल को, मतलब उसी बूढ़े वाले अंकल को, और देखते हैं आखिर सिखाएगा क्या। भाई बोल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें रहा था, सम क्लासिफाइड मूव्स, पता नहीं क्या सिखाया क्लासिफाइड। तो ओके, हम इसका रेडियो ला के दे चुके हैं, एक रेडियो का पार्ट। तो देखते हैं अभी क्या सिखाने वाला है हमको। ओके, होल्ड अपर कट, तो ऐसे से मारना है हमको। ओके, होल्ड होल्ड करके रखा मैंने, तीन चार बजा दिए बुड्ढे गई। तो क्या हुआ, सीख गए क्या, इतनी जल्दी सीख गए, क्या बात है भाई, काफ़ी जल्दी सीख गए। क्या सीखा हमारा, अपर कट अनलॉक्ड। ओके, अपर कट सीख ली भाई साहब,
पता तो होता नहीं अभी मैं अपरकट है क्या, देखते हैं होल्ड करके रखा तो अपरकट मारता है। ओके तो अब इसे अपरकट मारता है फटाफट से, देखते क्या है अपरकट नाम की चीज। ओके इसे देता है अपरकट, ओ तेरी लात मारेगा, ज़्यादा ज़्यादा चूरन बनेगा। ओ भाई अपरकट से हेल्थ देखो कितनी जल्दी जा रही है, और ये भाई अपरकट से सुना दिया इसको तो मैंने। अरे भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, अब तो बंदे बचेंगे ही नहीं, ऐसे ही मर जाएंगे ये तो। ओके गाइस बहुत ही भयंकर चीज़ सीख चुके हैं आज तो हम, मज़ा आ गया गाइस ये सीख के। तो ओके गाइस जो आज की वीडियो थी हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो से थोड़ा सा एक मिनट ज़्यादा हो चुका है। तो गाइस जिन जिन बंदों ने एंड तक देख लिया वीडियो आपको बहुत बहुत थैंक यू गाइस, आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा है और आप ऐसी पूरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहो। ओके तो गाइस अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, गुड बाय।